ऐसा कोटा ज्यादा भाई। और ये दूल्हा ही पहले स्टार्ट करता है, हमारे दूल्हे साहब हो गए स्टार्ट। श्री राधे दोस्तों भाई, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो भाई गाइस, अभी स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग की, 6 बज रही है और अभी हमारे घर पे भाई दाल पीसने की रस्म होने वाली है भाई की। तो पूरी वीडियो में बने रहें और अभी भाई अपने ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गए उत्तराखंड। तो भाई भाई की हो गई भाई दाल पीसने की रस्म शुरू। तो चलो पहले ये रस्म स्टार्टिंग में हो जाती है। तो ये दूल्हा साहब है हमारे छोटे भाई दीपक सिंह। किसने भी और बात थोड़ थोड़ भाई हमारे उत्तराखंड के टोल डोमो। भाई ये सेकंड रसम होती है जो उत्तराखंड की है। तो इसमें जो चावल होते हैं उसका स्वीडिश बनने वाला है, उसको हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं भाई पिट्ठू कुटना। तो ये दूल्हा से स्टार्ट होती है। तो अभी दूल्हा साहब यहाँ पे कुटने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो पहले भाई मुखली के अंदर ये चावल डाल देते हैं। ये सारा रिचुअल है उत्तराखंड का। तो चलो इसको ऐसा कोटा ज्यादा भाई। और ये दूल्हा ही पहले स्टार्ट करता है, हमारे दूल्हे साहब हो गए स्टार्ट। अभी दूल्हे के भाई भी आ गए भाई कूटने के लिए। तो ये रिवाज हमारे यहाँ पे और ये रसम है, रसम है। ये दूल्हे की बहन है भाई हमारी छोटी बहन आरती। तो ऐसा कुछ कूटा जाता भाई। तो भाई कुछ ऐसी तरीके से कूटा जाता है स्टार्ट से। हमारे दादाजी की सॉलिड एंट्री है। और ये यहाँ पे भाई दूल्हे की जो चाची और ताई होते हैं, तो ये दाल पकौड़े के लिए पीसी जा रही है। तो सारा कुछ चाची और दादी ताई सब मिलके पीसते हैं इसको, तो इसके पकौड़े बनते हैं। और भाई यहाँ पे बन रहे हमारे पहाड़ी आर से। तो चलो बताते हैं। कुछ इस तरीके से बनाया जाता है स्वीडिश पहाड़ी। तो जो अभी भाई ने चावल कोटे हैं उसको कोटने के बाद इसे गुड़ में भाई मिलाया जाता है, उसके बाद इसे फ्राई किया जाता है।
तो बनने के बाद ये कैसे होते हैं ये बताता हूँ आपको। तेल से निकल के रेडी हो चुके हैं, तो कुछ इस तरीके के होते हैं। ये काम करने वाले होते हैं शादी में, तो उनके लिए भाई दाल चढ़ी हुई है यहाँ पे अभी, और तो सामने सब्जी बनी हुई है। कुछ दाल पर पकाने का तरीका भाई उत्तराखंड में ऐसा होता है। शादी में चाय बांटने का तरीका कुछ इस तरीके का होता है। तो चलो भाई यहाँ पे हमारे गांव वाले सारे जितने भी गांव वाले हैं तो यहाँ पे सपोर्ट होते हैं, जो कुछ भी कार्य करने में सपोर्ट करते हैं सारे गांव वाले मिलके। ये भाई ऐसे ही खाना खाते हैं यहाँ पे, ये सारे लोग बैठे हुए हैं हमारे गांव वाले हैं सारे।
तो जिस तरह जाते हैं। तो भाई गाइस ये सेकंड शादी है नेक्स्ट एक की, ये भी हमारे गांव में है। तो भाई शादी का चल रहा है अभी प्रोसेस। तो भाई दूल्हे राजे आ रखे हैं, हमें हमारे दूल्हे। राम राम जाओ भाई, इतनी पूरे हट गए, हट गए, वेट 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 वेट। भाई लोगों ये सेकंड डे की शादी है, तो हमारे गांव के घर के परिवार की शादी है, इसलिए मैंने इन वीडियो को मिक्सिंग करूंगा इसमें। तो अभी दूल्हे को भाई बिठा दिया हमने, भाई जी पानी वगैरह लेके जा रहे हैं, जो हमारे गेस्ट होते हैं मेहमान होते हैं उनके लिए। वो सामने भाई दूल्हे बैठे हुए हैं, तो चलो अपने भाई वीडियो में आ गए। ये हमारे शादी के जो मेहमान होते हैं, जो दूल्हे पक्ष से आए हुए हैं, वो लोग हैं सारे लोग। तो चलो आपको दिखा लेता हूँ इनको। तो सामने भाई दूल्हे दूल्हे बैठे हुए हैं, और ये दूल्हे के भाई फैमिली मेम्बर्स हैं सारे। ये गाइस इस वीडियो के भाई डी एंड यहीं से करूंगा मैं। भाई उत्तराखंड में भाई ये सुविधा बहुत अच्छी होगी, अभी यहाँ पे तंदूर लगा हुआ है, और भाई तंदूर रोटी आप देख सकते हैं काफ़ी डिलीशियस बन रही है यहाँ पे। और ये हमारे छोटे भाई परवीन पवार भाई बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त उनका परफॉर्मेंस है, और काफ़ी अच्छे नान और रोटी मार रही है यहाँ पे। तो चलो भाई करते हैं इसके भी इंजॉय। तो गाइस भाई ये जो वीडियो बन रही है ये एक मेहंदी से हो रही है स्टार्ट, और जो हमारी दाल की रस्म होती है वहाँ से स्टार्ट हुई है वीडियो। अभी भाई शादी है नेक्स्ट टाइम में, तो गाइस इसमें मैंने ऐड कर लिया इसको शादी की वीडियो को ऑल्सो। तो भाई अभी यहाँ पे हमारा बुफे लग चुका है खाने का, तो भाई सारे जो हमारे जो होते हैं मेहमान होते हैं तो सारे आ चुके हैं खाने खाने के लिए। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे भाई, मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई सामने बुफे लग चुकी है हमारी, और खाना भाई वो हो रहा है, सर्व हो रहा है। ये सारे हमारे गेस्ट हैं।